अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई आप लोग देख रहे होंगे भाई मैं क्यों जोर से बोल रहा हूँ, भाई गला ठीक हो गया है आपके भाई का। बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, मज़ा ही आ जाएगा फिर तो यार। और अभी अभी मैंने एक चीज़ देखी है, वो ये है कि हमारा जो डव का बच्चा था ना, वो एक नीचे आ गया था। वो देखें भाई, जो पहले वाला था वो वापस उधर जाके बैठ गया है और जो उसके अंदर बैठा हुआ था वो नीचे आ गया। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हुआ? हाँ यार हमारा डकी तो 200 डिस्को उड़ता है, ये देखिए कतरा है, उड़ा ही नहीं अभी तो नहीं उड़ा यार। तो खैर यार अल्हम्दुलिल्लाह से यार हमारा ग्रीन पैंट भी 200 खाना पीना उसने शुरू कर दिया। उसको मैंने मिर्च भी डाली और रोटी मिर्च डाली, रोटी छोटी डाली, सब कुछ डाला अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब कुछ खा रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ यार अलबी, अगर तो ऐसा हो जाए यार, वो टेम हो जाए यार, मज़ा आ जाएगा। हाँ अगर उसे हाथ पे खिलाते रहोगे तो टेम हो जाएगा। अगर दोस्तों हम उसको ज़्यादा अपने साथ रखेंगे ना, हो सकता है वो टेम हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, उसको अपने कंधे पे बिठाया करेंगे, हाथ पे बिठाया करेंगे, मज़ा आ जाएगा। और इसको देखें भाई क्या हो रहा है, अब यार इसका अंदर छोड़ दो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करते यार जल्दी से, 20K करवा दो भाई। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, 20K करवा दें यार जल्दी से। उसके बाद ना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है, कुछ ऐसा करेंगे जो कि हमने कभी किया ही नहीं है। वो पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। अरे भाई 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 बंद कर दो, इसे बंद कर दो। चलो ये देखें भाई, बिल्कुल भी नहीं डरती भाई। ये देखें केज के अंदर जाके देखें, कोई उसको पकड़ लिया। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आप डरते हो? नहीं डरते? अच्छा यार हो भाई, माशाल्लाह से यार हमारा जो डव बेबी था ना दोस्तों, जो कि जख्मी हो गया था इन मुर्गियों ने कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह से यार वो ठीक होना शुरू हो गया है। और इसकी आप ग्रोथ देख ही सकते हैं यार माशाल्लाह से। ये देखें भाई काफ़ी बड़ा हो गया यार, और इसकी ना सेहत अब ठीक होती जा रही है। शुक्र है यार कि ये ठीक हो गया है। अब जल्दी से दोस्तों ये बड़े हो जाए ना, ताकि हमारे पास यहाँ पे और डव्स हों और ये भी सिंगिंग करें, तो कितना मज़ा आएगा यार। चलो और ना हमारे लवर भी कुछ दिन तक इंशाल्लाह अंडे देने वाले हैं। तो आलू भाई ने कहा था कि यार अक्टूबर के मिड में जो है ना ये अंडे संडे देंगे, एंड में तो तकरीबन इस महीने में आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई, ये अंडे दे देंगे और इंशाल्लाह दे देंगे भाई साहब अंडे। तो भाई ये देखें हमारे सारे बर्ड्स, और ये जो मैंने टोकरी लगाई थी यहाँ पे, जो मैंने टोकरी लगाई थी, देखें यार नेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे सारे बैठे हुए। काफ़ी ज़्यादा मैंने नेस्टिंग टोकरी लगा दी इनकी, जहाँ इनका दिल करेगा भाई वहाँ पे जाके जो है ना ये नेस्ट अपना बना लेंगे। तो यार अभी क्या करते हैं कि गैस, आपको पता हमारे बजीज ने अंडे दिए हैं, अंदर जाके देखते हैं। हो सकता है यार किसी बजीज का बच्चा आ गया हो, पता नहीं उन्होंने कब के अंडे दिए हैं, हो सकता है बच्चा कोई निकला आया हो, तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। दो फीमेल्स ने मुझे लगता है अंडे दिए हैं, एक उस वाली ने और एक इस वाली ने। बाकी उधर भी देख रहे हैं अगर किसी ने दिए होंगे तो। चल अंदर चलते हैं जाके, जल्दी से देख के आते हैं जाके कि भाई कोई बच्चा है कि नहीं है। ये देखा भाई, एक बच्चा तो ये है और दूसरा वो नीचे बैठा हुआ है माशाल्लाह से। और ये दोनों अब यहाँ पे फिर से इंशाल्लाह हमारी ये वाली डव्स जो है ना अंडे दे देंगी बहुत जल्द। और इन ये देखें, इनका नेस्ट भी काफ़ी थोड़ा गंदा सा हुआ, इसकी मैं अभी घास चेंज कर दूंगा, ताकि इन्होंने अगर अंडे देने होंगे ना तो इनको अच्छा इनको बिस्तर मिले वहाँ पे। तो इस मटकी में तो अभी मुझे नहीं लगता इन दोनों में कुछ है, क्योंकि खाली है यहाँ पे। फीमेल्स तो बैठती हैं यहाँ, लेकिन किसी ने ना अभी कोई मतलब कि वो नहीं किया अंडे शंडे नहीं लिए। तो इस मटकी में दोस्तों फीमेल बैठी हुई है रेड आइज की, ये देखें यार माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है यार। और इसने अंडे दिए हुए हैं 4 अंडे यार माशाल्लाह से यार, रेड आइज की फीमेल ने दिए हुए हैं। और यार इसका साइज़ दोस्तों बहुत बड़ा है, और मुझे अभी लग रहा है जैसे ये तकरीबन दो शायद अंडे और दे, शायद दो अंडे दे या एक अंडा और लाजमी देगी। अल्लाह करके यार सारे बच्चे निकल आए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। और इस फीमेल ने भी यहाँ पे अंडे दिए हैं, ये आके बैठ गई यहाँ पे, और इसने भी माशाल्लाह से 4 अंडे दिए हैं। लेकिन यार अभी तो कोई अंडे में से बच्चा हैच नहीं हुआ, अभी हो सकता है टाइम हो। और ये इसका पता नहीं मेल है, कौन सा मेल है इसका, पता नहीं ये वाला मेल है इसका शायद। इसी दौर में यार हमारा बजी का मेल ये वाला जो था ना दोस्तों, हैंड टेम हुआ करता था, और आप लोगों को याद होगा ये हमारे हाथ पे भी बैठता था। जब ये मस्ती में होता ना तब ये हाथ के ऊपर बैठता है। आप देखें मुझे काट रहा है, इसको हाथ पे बिठाने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ। और ये अरे काट रहा है यार, ओए माशाल्लाह, आ जाओ। और ये आ गया भाई, आ गया, क्या बात है दोस्तों माशाल्लाह। ये देखें भाई क्या ही बात है, क्या ये देखो बजी मेल। हाँ, चेक करें भाई भी दोस्तों, ये मस्ती में इसलिए जो है ना ये मेरे हाथ के ऊपर बैठा हुआ, वरना ये बिल्कुल भी हाथ के ऊपर आके नहीं बैठा। हाँ जी भाई, क्या चल रहा है,
शुक्र यार अभी तक हैंग टाइम है ये, हालांकि इसके इसने काफ़ी बच्चे भी निकाले और उड़ गया, और ये फिर आएगा मुझे लगता है हाथ के ऊपर, क्योंकि अब ये मस्ती में ये देखिएगा ज़रा भी खुद आएगा उड़ के, देखिएगा खुद आएगा कि मैं ये बिठाना पड़ेगा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आएगा 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 इंशाल्लाह, ये देखिएगा ए ए आ जाओ, हो गया अब लगता है इसका मूड नहीं है। वैसे हैंड टाइम है ही, जब ये मस्ती में होता है ना फिर उड़ के आता है, और ये फीमेल फिर से अंडों को इनक्यूबेट करने के लिए जा चुकी है। इस एवरी में यार मैं अभी जा नहीं रहा क्योंकि हमारे ना फिंचेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो आपको सामने नज़र आ रही होगी, ये देखें सामने हमारी फीमेल जो है ना नेस्ट के अंदर बैठी हुई है, ये देखें भाई, तो ये फिर ना बाहर आ जाएगी और दूसरी फिंच भी मुझे लगता है बाहर आ जाएगी, वो भी अंडों को इनक्यूबेट कर रही है, तो हमें डिस्टर्ब करना फजूल है। और हमारे जो लास्ट टाइम फिंचेस के बच्चे निकले थे दोस्तों, ये दोनों ऊपर ये देखें बैठे हुए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं यार। ये सब तो हो गया यार, आप लोगों को एक बात बतानी वो ये है कि आपको पता होगा यार हमारे पास टोटल 20 बटेर थे जिसमें से तकरीबन 6-7 मर गए, और अभी भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार हमारा एक बटेर बेचारा मरा हुआ है, मैंने अभी देखा है यार, अभी ये देखो यार इधर आओ, देखा यार हमारा बटेर मर गया यार, ये मरने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही क्यों मर रहे हैं ये, और एक तो यार ये मर गया, अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ। और हुआ कुछ यूँ कि सुबह सुबह जब मैं छत के ऊपर आया ना दोस्तों, हमारा एक बटेर भाग गया, अब पता नहीं कैसे भागा वो यार, अब इसके अंदर था वो भागा इस तरीके से, जब मैं अंदर गया दाना पानी करने के लिए केज जो था ना वो मैं बंद करना भूल गया, और जब मैं अंदर गया दाना डाला मैंने, पीछे से एक बटेर हमारा निकला, पता नहीं वो ब्राउन से कलर का था, जो वाइट तो इधर ही है, जो ब्राउन कलर के है ना ये आपको नज़र आ रहे हैं सामने, इस कलर का था, पता नहीं मेल था कि फीमेल थी, वो बाहर निकला यार, अभी मैं उसको पकड़ने के लिए बाहर ही आ रहा था, अचानक से वो उड़ा और इस वाली साइड को चला गया वो, फिर मैं उसी टाइम यार नीचे गया गली में गया, जाके मैंने उसको ढूंढा, काफ़ी जगह ढूंढा लेकिन वो यार नज़र ही नहीं आया, मैंने काफ़ी जनों से पूछा यार आप मेरा बटेर तो नहीं आपने कहीं देखा, लेकिन वो नहीं मिला, इतना सा तो दोस्तों था वो, अब पता नहीं किसी के घर ना घुस गया हो, और अब पता नहीं उन्होंने अगर किसी को मिला भी हो पता नहीं वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई इधर को उड़ा था वो इस वाली साइड पर, और इतनी स्पीड से यार वो उड़ा है करके वो एंड तक गया, तकरीबन ये जो ये वाला घर है ना इसके करीब करीब वो वहाँ पर जाके नीचे चला गया था, और आज के बाद यार इनको मैं नहीं खोलूँगा यार, इन्होंने तो मुझे अब पता लगा इतनी फ्लाई भी करते हैं। काफ़ी साल पहले मैंने एक बटेर रखा था, एक रखा था, और उसने यहाँ से छलांग मार के वो सामने वाला जो घर है ना वहाँ पे गया था, मुझे पता था यार, मैंने कहा शायद इतनी छलांग मारते होंगे, लेकिन सुबह मैं उसमें यार बेध्यानी में दरवाज़ा मेरे से खुला रह गया, एक बटेर निकला और उसी टाइम भाग गया। क्या कह सकते हैं यार बटेर भी बड़े चलाक होते हैं, 20 लाए थे अब तकरीबन इसमें कितने हैं यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बटेर है यार बस दोस्तों, 20 लाए थे यार, हैं अंदर भी बैठे तकरीबन 2 तो नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 10 हैं शायद, हाँ एक भाग गया और एक मर गया, 12 थे अलवी शायद दोस्तों, यूँ हो रहा है यार, हम लेके तो यार 20 लाए थे अलवी, 20 और 12 रह गए यार बस, नहीं नहीं 10 रह गए, हाँ 10 रह गए यार, देखिए यार क्या कर सकते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ यार इनको ना बारबेक्यू करते हैं, इसका भी लोग अगर हम बनाएंगे तो सेकंड चांस इंशाल्लाह, क्या करें भी करें फिर टिक्का पट नहीं भाई तो यार इनको मैं अंडे देने के लिए इंतज़ार तो कर रहा था कि अंडे शंडे देंगे, लेकिन अंडे तो नहीं यार क्या करें, ऐसे अंडों का दोस्तों हमने करना गया कबूतर के नीचे यार, वैसे रख गया एक्सपेरिमेंट करना था, इनके अंडे फिर हम बजीज के नीचे भी रखते हैं, डायमंड डब के नीचे भी रखते हैं, सब जगह रखते हैं, बच्चे निकलवाते यार मज़ा आता है। तो कह रही यार ये थी दोस्तों आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, यार हमारा आज बटेर मर गया एक, ये देखें यार बेचारा अंदर पड़ा हुआ है दोस्तों, और मैं भी इसको बाहर निकालता हूँ, और एक जो है हमारा बटेर उड़ गया, समझ नहीं आ रहा मुझे दोस्त यार यार उड़ कैसे गया वो, मैंने तो सुना था हल्के से छलांग मार के भाई इधर से उधर चले जाते हैं, वो इधर से उड़ा भाई वो एंड तक गया। तो क्या यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।